दोस्तों वेलकम टू ए डब्ल्यू सर्विसन आई एसोसिएट कोर्स दोस्तों इस कोर्स में हम बातें करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है ए डब्ल्यू का प्रिपरेशन करेंगे और उसके करने के लिए जो है आज हम लोग किस तरह से आप माइंड मैप को क्रिएट करेंगे माइंड मैप क्या होता है और एग्ज़ाम बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं SSC, एस ये सब का जो एग्ज़ाम होते हैं जो क्रैकर होते हैं तो वो लोग किस तरह से माइंड मैप को यूज़ करके ये सब एग्जाम को क्रैक करते हैं उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज़ करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बातें किया था कि एग्ज़ाम गाइड क्या होता है और हमें एग्ज़ाम गाइड से ही क्यों करना पढ़ना चाहिए और ए डब्ल्यू एस के द्वारा जो पढ़ाए बताया जा रहा है वो जो लेटेस्ट जो अपडेट मिलता है हमें एग्ज़ाम गाइड में ही मिलता है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं मैं ये जो है लेसन नंबर टू है लेक्चर नंबर टू है और आने वाले समय ट्वेंटी वन करीब लेक्चर अपलोड करूंगा जिससे आपका ए डब्ल्यू एस आर्किटेक्ट एसोसिएट का पूरा का पूरा जो है एग्जाम आपका रेडी हो जाएगा दे सकते हैं यहाँ पर मैं एडब्ल्यू एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा कोर्स कराऊंगा यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं होगा हो सकता है वीडियो लंबा हो हो सकता है वीडियो थोड़ा बोरिंग हो लेकिन आपको नॉलेज यहाँ पर परफेक्ट मिलने वाला है आज हम बात करेंगे व्हाट इज माइंड मैप और हम किस तरह से माइंड मैप को क्रिएट करेंगे देखिए माइंड मैप क्या होता है जैसे आप गूगल में मैप ओपन करते हैं तो जैसे हम गूगल को मैप ओपन करते हैं तो आपको एक लोकेशन दिखाता है राइट तो वो लोकेशन में इतना कुछ दिखा देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या है राइट आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उसको ओपन करते हैं बट आपको कहीं पर जाना है तो आपको मैप ओपन करने के बाद आपको डायरेक्शन सेट करना पड़ता है जैसे आप डायरेक्शन सेट करते हैं तो आप मैप के अंदर में एक जो है रेखा बन जाता है एक लाइन बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टनल और टनल बनने के बाद आप उसी टनल से आप जाते हैं और आपका डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं राइट right? सो so, अब उस टनल के माध्यम से जब जाते हैं तो अब उसका जो है हर एक पॉइंट मिलता है हर एक पॉइंट को क्रॉस करते 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 आप जो है नेक्स्ट जो है आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचते हैं उसी तरह से हम लोग जो कुछ भी चीज़ को याद करने के लिए कुछ भी पढ़ाई करने के लिए कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए हमारे पास माइंड मैप होना चाहिए राइट और उसे लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए हमारे पास माइंड मैप होना चाहिए क्योंकि ए डब्ल्यू का सिलेबस काफ़ी अभी हार्ड हो चुका है नंबर वन नंबर टू इसके सिलेबस के ऊपर में काफ़ी ऐसे चीज़ एड ऑन हो चुके हैं कि आपको वो चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा राइट उसके बारे में एटलीस्ट जो है इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा राइट बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो प्रैक्टिकल है बहुत सारे ऐसे चीज़ जो थ्योटिकल है बहुत ऐसे चीज़ है यहाँ पर आपको समझ में आएगा ऐसे बहुत बड़ा है बट वो एक दो लाइन का ही जो है वो थ्योरी है राइट उसको उस कंसेप्ट को समझ जाना पड़ेगा तो वह चीज जानने के लिए हमें सबसे पहले माइंड को सेट करना पड़ेगा राइट तो माइंड को सेट करने के लिए चलिए हम थोड़ा तो सा हम देखते हैं कैसे हम लोग सेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ हम पर हमें क्या करना है कि सपोज हम यहाँ पर से लेते हैं, तो लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक तो क्या करना है कि एक सर्कल हम बना लेते हैं राइट यहाँ पर क्या करेंगे हम एक एक सर्कल हम लोग बना लेंगे अब इस सर्कल के अंदर में हमारा क्या है गोल मेन गोल हमारा है वह है डब्ल्यू एस को क्रैक करना राइट अब एडब्ल्यूएस को हम लोग क्रैक करना है अब क्यों क्रैक करेंगे राइट पहला तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि भैया हम जो इसको हम लोग क्रैक करेंगे वो क्यों करेंगे वाई हमारे पास क्लियर होना चाहिए और वाई जो क्लियर हो रहा है वाई का क्लियर कैसे होगा देखिए इसका कुछ रीजन है पहला चीज वाई क्लियर करने के लिए ये जो है आपका एडब्ल्यूएस ये क्या है आपका एक हॉट स्किल है बहुत ही हॉट स्किल है यानी कि काफ़ी डिमांडिंग ये स्किल है मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड है उसी हमें करना चाहिए नेक्स्ट रीज़न हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर हम इस चीज़ स्किल को सीख लेते हैं ए डब्ल्यू सोलूशन का तो सर्टिफिकेशन हम लोग पा लेते हैं तो सर्टिफिकेशन हमें एक इमेज क्रिएट करके देगा मार्केट में जहाँ पर हमें एक हाई पेइंग जो है जॉब मिलने में काफ़ी काफ़ी जो बेनिफिट देगा हमें राइट right? नेक्स्ट हमारा जो है इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न है कि इसमें जो कंपटीशन होता है इसमें जो अभी कंपटीशन है अदर स्किल की तुलना में काफ़ी काफ़ी जो है बहुत कम कंपटीशन है क्यों क्योंकि पहला जो चीज़ है ये हॉट है इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो स्किल है इस स्किल थोड़ा सा ये टफ स्किल है उसीलिए बहुत सारे लोग इसे सीखना पसंद नहीं करते हैं राइट जो कंफर्ट जोन में रहना करते हैं जो जॉब के माइंड मेंटेलिटी में है वो लोग तो इसको थोड़ा सा उतना नहीं करते हैं राइट तो इसमें कंपटीशन आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्किल है वो सभी के लिए है ऑल राइट यहाँ पर इस स्किल को सीखने के लिए आपको साइंस ही होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है इसको सीखने के लिए आपको जो है कॉमर्स uh, ही होना है ऐसा बात नहीं है इसको के लिए आपका आर्ट्स का स्ट्रीम होना है ऐसा कोई बात नहीं है आपको कंप्यूटर का एकदम पूरा खूब मास्टर बन के आना है ऐसा कुछ बात नहीं है इस इसमें सीखने के लिए सभी कोई सीख सकता है सभी कोई इन मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस एवरी सीख सकता है क्योंकि ये स्किल उसी तरह से डिजाइन किया गया है राइट और एक चीज और जी आपको जानना पड़ेगा कि अभी राइट हमें एडब्ल्यू को सीख रहे हैं तो हमें इसका दो इसका पॉइंट है राइट दो पॉइंट है पहला पॉइंट क्या है कि हमें एडब्ल्यू सीखने के लिए एक सर्टिफिकेट के लिए हम लोग सीख रहे हैं दूसरा क्या है कि हमें इसके ऊपर जो इस स्किल के ऊपर में आपको मास्टर होना है राइट तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आप इस स्किल को आप मास्टर कर लिए हैं तो आपको एक बेहतर जॉब पाने में से कोई नहीं रोक सकता है अगर आपके पास केवल सर्टिफिकेट है आप उसको मास्टर नहीं किए की स्किल को देखिए आप थियोटिकल पढ़ाई करके क्योंकि ये हम पर जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका जो पॉइंट सेलेक्ट करने का मतलब मल्टीपल चॉइस का होता है आप बहुत डंप पढ़ाई किए बहुत सारा एग्जाम डंप एग्जाम दिए दे देकर आपका माइंड में क्लियर हो चुका है आप एग्ज़ाम किसी तरह से सर्थ सर्टिफिकेट पा भी गए लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो आपको जो है जॉब पीने में पाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगर आपके पास मान लीजिए कि स्किल बहुत है राइट बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं इस चीज़ को अच्छी अच्छी तरह से जो है के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े हैं बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब क्या आपको क्या जॉब नहीं मिलेगा हाँ दीदी दोस्तों जॉब मिलेगा लेकिन आपको वह बूस्ट नहीं मिलेगा जैसे बोलते हैं लोगों से हमने सी जमा किया हर आकर जमा करते ही हमें जो है जॉब का कॉल आना शुरू हो गया वो चीज़ आपको यहाँ से नहीं मिलेगा आपका जो इमेज है वो इमेज जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपको ये सर्टिफिकेट देगा यानी कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है यानी कि गेट पास की तरह है कि बड़े कंपनी में इंटर करने के लिए आपको एक आईडी कार्ड की तरह काम आप वो कर सकता है आप एक बार इंटर कर गए तब आप स्किल दिखाइएगा भाई मैं ये चीज़ें मैं इस चीज़ में मास्टर हूं बट आपको इंटर करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आप स्किल कब कैसे दिखाइएगा तो मौका आपको मिलेगा सर्टिफिकेट से इसलिए आपको सर्टिफिकेट क्रैक करना है तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए और इस, इस तरह से आप एक ब्लैंक पेपर में एक माइंड मैप क्रिएट किए अपने अनुसार आपको जो अच्छा लग रहा है उसके अनुसार आप जो है माइंड मैप को क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने के बाद जब इसका ये माइंड मैप हो जाएगा तो हम जो है निक्स, निक्स जो है माइंड मैप की तरह बढ़ते हैं देखिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एग्ज़ाम गाइड है और इसको हिसाब से हमें पढ़ना है तो हमें एक तैयारी करना पड़ेगा से हम किस तरह से पढ़ाई करना है वो हमको तैयारी करना पड़ेगा अब क्या तैयारी करना पड़ेगा पड़े? देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन सा सर्विसेज हमको जानना है आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सब सर्विसेज हमें जानना है राइट एनालिटिक्स जानना है हमें बिलिंग को जानना है हमें यहाँ पर हमको अप्लीकेशन इंटीग्रेशन हमको जानना है राइट और यहाँ पर कंप्यूट जानना है यहाँ पर डेटाबेस हमें जानना है राइट यहाँ पर मैनेजमेंट को हमको जानना है यहाँ पर हमें माइग्रेशन जानना है यहाँ पर नेटवर्किंग जानना है राइट right? ये सब चीज़ जानना है तो ये सब चीज़ जानने के लिए हम एक बार में सब जानेंगे तो हमारा जो है माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा हमें एक एक सिनेरियो बेसिस में जानना है जैसे आपको मैं बताऊं कि कैसे हमें ये सब सेट करेंगे सेट करने के लिए आपका माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए राइट right? क्लियर क्या होना चाहिए देखिए बताता हूँ मैं आपको जैसे ट्रेडिसनल हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल में क्या होता था कि आपका ट्रेडिशन में एक कंपनी के अंदर में राइट right? एक कंपनी है हमारा वो पहले क्या करता था कि एक डेटा सेंटर बनाता था ताकि उसका ऑफिस जो है वो अच्छी तरह से ऑपरेट हो पाए राइट right? अब उस डेटा सेंटर के अंदर में क्या करता था वो वहां पर एक रैक रखता था रैक उसके अंदर में हम वो क्या बहुत सारा सर्वर यहाँ पर रखता था राइट right? अब सर्वर को रखने के बाद अब उस सर्वर को जो है एक्सेस करके इसके अंदर में कोई वेब सर्वर हो गया कोई डेटाबेस सर्वर हो गया कोई एप्लीकेशन सर्वर हो गया ऐसा बनाता था बना करके वो काम करता था अब इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल के माध्यम से टर्मिनल के माध्यम से एक डिस्टर्ब से उसको एक्सेस करके उसका कन्फिगरेशन वगैरह करता था ये ट्रेडिशनल में हुआ करता था वही चीज़ अभी ट्रेडिशन से हट करके अभी क्लाउड में आ चुका है इसको पहले हम क्या करते थे एक टर्मिनल के माध्यम से एक्सेस करते थे आज भी हम टर्मिनल के माध्यम से ही ऐसे करेंगे लेकिन यहाँ पर ये यह फिजिकल ये चीज़ हमारा था पहले राइट डेटा सेंटर में हमारा हार्डवेयर डेटा सेंटर हमारा ही था वहाँ पर हार्डवेयर भी हमारा था वहाँ पर सर्वर भी हमारा था वहाँ पर सॉफ्टवेयर भी हमारा था सब कुछ था लेकिन अभी क्या कहते इतना चीज़ को जो है ए हमें दे रहा है राइट ये ये खुद का वो बना कर रखा है अब हमें एक टर्मिनल के माध्यम से हमें ऊपर पोस्टा भी दे रहा है और बोल रहा है कि भैया देखिए ये जो चीज़ जो है आपको सेटअप करने में महीनों लगता था आप हम का रेडीमेड है आप आइए और इसको यूज़ कीजिए जैसे आप एक आपको घर लेना है राइट तो आपको क्या कह सकते हैं आपका खुद का घर बना सकते हैं जिसमें आपको बनाने के लिए आपको पहले तो ज़मीन लेना पड़ेगा उसके बाद से आपको उसके अंदर में जो है क्या बोलते हैं उसको दीवार बनाना पड़ेगा राइट उसको घर बनाना पड़ेगा उसको डेकोरेट करना पड़ेगा डेकोरेट करने के बाद उसको जो है उसके अंदर में फर्नीचर सेट करना पड़ेगा तो आप रह सकते हैं आप क्या कर सकते हैं कि आप एक रेंट का घर ले सकते हैं फुल फर्निस घर ले सकते हैं आप गए वहाँ पर जाते ही आपको जो है वहाँ पर क्या हुआ कि एक वेल डेकोरेटेड घर मिल गया वहाँ पर वहाँ पर एसी फ्रिज बेड जो जो चीज़ चाहिए लाइफ स्टाइल में वो सारा चीज़ आपको मिल गया आप उसको यूज़ किए एक महीना में रेंट महीना का रेंट दे दिए और आपको नहीं लगा जरूरत तो आप तो छोड़ चले गए तो उसी तरह से आपको जो है ए डब्ल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है ये चीज है अब हमें क्या करना है कि देखिए अब हम करते हैं माइंड मैप क्रिएट अब माइंड मैप में गए यहाँ पर हमें भाई सीखना है ए डब्ल्यू एस हमें क्या सीखना है ए डब्ल्यू एस हमें सीखना है अब ए डब्ल्यू एस जैसे हम सीखेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए राइट right. उसके लिए देखिए हम सीखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा रिसोर्स क्या देखना पड़ेगा रिसोर्स कि भैया यहाँ पर इसके सीखने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है अवेलेबल तो रिसोर्सेज में क्या आता है देखिए सीखने के लिए हमें रिसोर्स हमें कहां से मिलेगा देखिए इसका रिसोर्स हमें मिलेगा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाकर के आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए वहां पर एक करिकुलम बनाया गया है आपको वहां से सीखना स्टार्ट कर दीजिए दैट इज अस्ट ये दूसरा जो रिसोर्सेज हमको यहां पर मिलेगा वो क्या मिलेगा ऑनलाइन ऑनलाइन विषय में क्या है कि आपका दो तरीका यहां पर है एक है आपका पेड दूसरा क्या है वो है फ्री अब जो पेड तरीका जो है वो सिर्फ जो है ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उसी तरह से वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आ चुका है यानी कोई टीचर है आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है राइट या उसके ऊपर में एक वीडियो बनाकर रख दिया है आप उसको परचेज करते हैं और उसको पढ़ाई करते हैं जैसे यह है आपको मिलेगा यूडेमी मिल जाएगा कोर्स एरा मिल जाएगा ये सब जो है अप्लीकेशन है या ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाने का जैसे एडूरेगा हो गया इंटेली पार्ट पैट हो, हो गया ये सब जो है कंपनियाँ आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है एजुकेशन नो डाउट ये सब भी बहुत अच्छे होते हैं बट काफ़ी चार्ज होते हैं बहुत ही कम समय में खत्म कर देते हैं दैट इज़ अ बिग एलो कॉमर्शियल लोग कॉमर्स मैंने प्रॉफिट के बेस में जो है आपको पढ़ाते हैं लेकिन आपको टाइम से पढ़ना है अपने मन से पढ़ना है बिना इन्वेस्टमेंट के आपको फ्री में जाना पड़ेगा और फ्री में पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल है फ्री में पढ़ने के लिए अमेजन एमेजन ने खुद ही अपना अमेजन यानी ए डब्ल्यू एस का जो है वाइट पेपर बनाया है वाइट पेपर कौन किसने किन्ने बनाया है जो इस फील्ड में मास्टर है जो ए डब्ल्यू एस के फील्ड में जो है कई सालों से काम कर रहा है उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है कि भाई आप सपोज़ इसी टू इंस्टेंस यानी कि आप जो है इसके अंदर सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे सर्वर के संग में जो है आप कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे सर्वर को कैसे एक्सेस करेंगे कितने तरह का सर्वर अवेलेबल होता है सर्वर क्या होता है कितने तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं इसका ऑलरेडी वाइट पेपर बना दिया यानी कि एक डिटेल में पी नोट है और ये जो नोट है आपका ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आपको बस आपको इस नोट को एक्सेस करने आना चाहिए राइट इसको पढ़ने आना चाहिए इसका भी एक ट्रिक है राइट जो हम आने वाले समय में बता रहे होंगे राइट उसके बाद से हमारे पास अवेलेबल गूगल गूगल से भी हम लोग पढ़ सकते हैं उसके बाद से हमारे पास अवेलेबल है पी डी से पढ़ सकते हैं उसके बाद से हमारा अवेलेबल है आपका यूट्यूब यहाँ से हम लोग फ्री में रिसोर्सेस ले सकते हैं तो बोलते हैं भैया बहुत लोग बोलते हैं भैया जो फ्री का जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है काफ़ी बहुत सारा वो इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं पहला बात और उसमें जो है काफ़ी हमारा टाइम पास हो जाता है राइट और उसमें जो है हमें पढ़ना होता है कुछ और वो कुछ और पढ़ाने लगते हैं यानी कि हमारा डायरेक्शन जो है लूज़ हो जाता है तो ये सब जो चीज़ हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है राइट तो ये सब जो रिडेक्शन हो रहा है ये हो ये सब जो चीज़ हो रहा है इसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है अब इसको जो फेस कर रहे हैं इसे है, सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं तो हमें जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ओके तो इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं तो सबसे बड़ा भैया है एक प्रॉब्लम कि हमारा अब ये जो चीज़ आ गया सर्कल वो सर्कल किस चीज़ के आ गया कि फ्री लर्निंग फ्री हम कैसे पढ़ाई करें तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या दिया था कि आपको मैं दिया हूँ लास्ट क्लास में एक एग्जाम गाइड राइट आपके पास गोल्ड क्लियर होना चाहिए भैया आप पढ़ क्यों रहे हैं तो आपके पास एक एग्जाम गाइड होना चाहिए अब एग्ज़ाम गाइड आपको मिल गया है तो वहाँ से क्या होगा कि आपको एक शॉर्ट माइंड मैप क्रिएट करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को गाइड को देखिए और एक शॉर्ट माइंड मैप क्रिएट कीजिए उसमें क्या होगा जितना उसके सिलेबस है जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के बारे में गूगल से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता दूं क्या इकट्ठा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको खाला कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा चलिए जैसे क्या है कि व्हाट इज इस अमेजन इशू टू उसका आंसर आ जाएगा व्हाट इज़ इलास्टिक बेंच टॉप राइट तो उसका आंसर आ जाएगा तो आप छोटे छोटा चीज़ व्हाट इज व्हाट इज लिख आगे लिख करके इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप याद नहीं करने का है आप देख लीजिए अब देखने के बाद अब आपको माइंड मैप क्रिएट करना है देखिए ना ये इसको जब से आप पढ़िएगा तो बताया जाएगा सब भैया ये एक सर्वर है राइट वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं ये हम लोग इसका यूज हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं और यहाँ पर आपको और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर हमारा नेटवर्किंग राइट देख पा रहे हैं ये चीज नेटवर्किंग का है तो ये नेटवर्किंग तो बताइए कि जब आप एक सर्वर को क्रिएट करना चाहते हैं जब आप सर्वर क्रिएट करते हैं तो आप क्या क्या चीज चाहिए राइट right? आपके माइंड में तो चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सर्वर एक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल होना चाहिए राइट right? तो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास होना चाहिए सर्वर राइट यानी कि सर्वर का हार्डवेयर होना चाहिए हार्डवेयर माने किस तरह का सर्वर रहेगा कि उसमें कितना रैम होगा कितना प्रोसेसर होगा राइट वो होना चाहिए उसके बाद से उसको सर्वर को रन कराने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए राइट ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिए लोड कर दिए उसके बाद से उसके अंदर में हम लोग आई वगैरह देंगे यानी कि नेटवर्किंग करेंगे नेटवर्किंग कर दिए उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक्सेस करने के लिए कि कोई इसको मिसयूज ना कर दे तो हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर में सिक्योरिटी लगाएंगे सिक्योरिटी मतलब जो है आप फायरवॉल जो है करते हैं फायरवॉल इसके अंदर में आप ऐड करते हैं राइट तो वो चीज़ हम लोग करेंगे उसके बाद से जब ये इतना चीज़ हो जाएगा राइट तो उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे हम एप्लीकेशन को जो भी मेरे जिस पर्पज़ के लिए हम लोग सर्वर को यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो इतना ही काम हमें पहला होना चाहिए कि हम इसको हम ए में कैसे करेंगे इतना चीज़ को अब ये आपका पहला माइंड मैप होना चाहिए अगर आप इतना चीज़ कर लिए तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन हो जाएगा कि भाई ए काम कैसे कर है राइट अब बोलिएगा भैया ये हम कैसे सीखें राइट right. तो आने वाले समय में हम इसको बारे में चर्चा कर रहे होंगे कि कैसे हम इसको हम कवर करें यहाँ पर मैं छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि पाँच मिनट का आप आए देखे निकल जाए यहाँ पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा एक लेसन को ध्यान रखते हुए ताकि आपको जो भी एक चैप्टर के बारे में नॉलेज हो एक दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा जैसे मैं एक दिन में कवर करूँगा यहाँ पर यहाँ पर जो चैप्टर है यहाँ पर सपोज तो वो चैप्टर मैं कवर करूँगा इसको तरह से मिटा लेता हूँ मैं तो मान लीजिए कि एक दिन में मैं कवर कर रहा हूँ कंप्यूटर राइट तो कंप्यूटर के अंदर में क्या है कंप्यूटर के अंदर में हम देख पा रहे हैं बहुत कुछ है तो कंप्यूटर के अंदर में मैं एक दिन में मैं पूरा ये चीज कवर कर दूंगा राइट एक दिन में मैं ये चीज कवर कर दूंगा नीचे वाला एक दिन में मैं ये कवर करूंगा एक दिन में ये कवर करूँ पूरा एक दिन जब पकड़ूंगा तो पूरा का पूरा चीज़ को हम लोग जो है वो खत्म करने वाले हैं और ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा एक हवा में नहीं होगा राइट और इसका पूरा कबार नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा और वह नोट्स मैं खुद से नहीं बनाऊंगा यह अमेजन का ही नोट्स रहेगा उसी से फिल्टर करके आपको मैं पढ़ाऊंगा और आपको भी फिल्टर करके पढ़ना पड़ेगा राइट सो नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे कि किस तरह से हम जो है अमेजन का नोट को हम लोग देखेंगे व्हाइट पेपर को देखेंगे और ऑनलाइन रिसोर्सेज में हमें कैसे हम लोग सर्च करेंगे राइट तो नेक्स्ट वीडियो में हम बातें कर रहे होंगे कि किस तरह से हम जो है वाइट पेपर का यूज़ करेंगे स्टडी करने के लिए अभी तक हमने बातें किया एग्ज़ाम गाइड के ऊपर में अभी तक हमने बातें किया माइंड मैप के ऊपर में किस तरह अपने माइंड को मैप क्रिएट करें किस तरह से स्टडी करने के लिए मैप क्रिएट करें और नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे कि स्टडी करने के लिए जो वाइट पेपर है उसका आप इस्तेमाल करके कैसे आप पढ़ाई करें राइट आप डायरेक्ट यूट्यूब डायरेक्ट गूगल में ना जाएं क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन हर इन्फॉर्मेशन जो है पूरा नहीं रहता है तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पाना है तो आपको एक माइंड मैप की तरह यूज करना पड़ेगा आपको एग्जाम गाइड का यूज करना पड़ेगा आपको वाइट पेपर को फॉलो करके जो है आगे बढ़ना पड़ेगा चलिए आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के वीडियो को आप लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मैं आपका कमेंट इंतजार करता रहता हूँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करें कुछ भी कमेंट करें ताकि हमें समझ में आए से भाई आपको वीडियो तो अच्छा लग रहा है ख़राब लग रहा है जो भी आप कमेंट करें लेकिन कमेंट जरूर करें चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ